Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is environmental education. And it is the first lecture of this series, that is Meaning and Aims of Environmental Education, means Paryavaraniya Shiksha ka Arth evam Uddeshya. So Paryavaraniya Shiksha, environmental education ka kya arth hai? Environmental education may best be defined as a process directed at creating awareness and understanding about environmental issues that leads to responsible individual and group actions. यानी कि आप पर्यावरणीय शिक्षा को इस तरह से define कर सकते हैं, इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है जो जो निर्देशित करती है किस तरफ, creating awareness and understanding about environmental issues, यानी कि जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनकी तरफ जागरूकता और समझ को डायरेक्ट करने की प्रोसेस है, दैट लीड्स टू रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्शंस, और जिसके लिए हमें जिम्मेदारी से काम करना होगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से. Successful environmental education focuses on processes that promote critical thinking, problem solving and effective decision making skills. जो आपका कह सकते हैं कि सफल पर्यावरणीय शिक्षा होती है वो फोकस करती है वो प्रक्रियाएं जो प्रमोट करें, बढ़ावा दें किसको, क्रिटिकल थिंकिंग को, आप चिंतन मनन, आप समस्या समाधान कर सकें और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और प्रभावपूर्ण तरीके से निर्णयों को ले सकें. According to UNESCO, environmental education is a way of implementing the goals of environmental protection. या आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा एक तरीका है जिससे कि आप पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तरीकों को इम्प्लीमेंट करते हैं. It is not a separate branch of science. ये कोई विज्ञान की अलग शाखा नहीं है, but lifelong interdisciplinary field of study. But सतत जीवन पर्यंत चलने वाला ये ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जो हर विषय से जुड़ा हुआ है. It means education towards the protection and enhancement of the environment, and education as an instrument of development for improving the quality of life of human communities. इसका मतलब इस तरीके की शिक्षा है जिसमें हम environment का enhancement करेंगे, उसका protection करेंगे, मतलब उसको बचाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, और शिक्षा एक ऐसे उपकरण के रूप में तैयार होगी, उपकरण के रूप में use होगी जिससे कि आप मनुष्य के समुदाय का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करेंगे. यूनेस्को एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ ईई मींस एनवायरमेंटल एजुकेशन इन सेफगार्डिंग फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ सोशल सोसाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इंश्योरेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूनेस्को ने बल दिया है कि पर्यावरणीय शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए कि जो फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऑफ सोसाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन का जो सामाजिक पक्ष है, जो सामाजिक गुणवत्ता है, उसको बढ़ाया जाए, सुधारा जाए. कैसे सुधारा जाए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, गरीबी का उन्मूलन करके, जो असमानताएं हैं उसको कम से कम करके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंश्योरेंस करके, मतलब सतत वैश्विक विकास होता रहे. फिर अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि तीन तरीके से आप इसके कंसेप्ट को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, एजुकेशन फॉर द इन्वायरमेंट, एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट. यानी पर्यावरण के लिए शिक्षा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा और पर्यावरण के द्वारा शिक्षा. तो पहला देखें तो एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट में क्या है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन दैट सीक्स टू मेक पीपल्स फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद देयर एनवायरनमेंट सो दैट दे विल बी एबल टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद द टेक्निकल स्किल्स दैट विल एनेबल देम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सोल्यूशंस अलॉन्ग with other members of their community. यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें कि जो शिष्य है वो सीख करता है कि वो फुली अवेयर हो, मतलब वो पूरी तरह से जानकारी हो उसकी कि कौन सी समस्याएं हैं जो उसके वातावरण में हैं, कैसे वो उन समस्याओं को फेस कर सकता है, उनका सामना कर सकता है जिम्मेदारी के साथ, और टेक्निकल स्किल्स कौन सी उसके पास तकनीकी कौशल होना चाहिए जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके उनके सॉल्यूशन में अलोंग विद अदर मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटी. यानी कि जो समुदाय के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ मिलकर कैसे वो उसका सॉल्यूशन कर सकता है. अग्रवाल हैज एप्टली सेड दैट दिस अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इज सोशल अवेयरनेस. तो अग्रवाल ने कहा कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की तरफ अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको सामाजिक जागरूकता कहते हैं. Such problems will be solved through collective action aimed at eradicating the social and economic causes of degradation of the human environment. जो इस तरीके की समस्याएं हैं वो सामूहिक एक्शन से सॉल्व की जा सकती हैं जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज जो है, मतलब कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन की, यानी कि मनुष्य का जो पर्यावरण है उसका, मनुष्य का जो वातावरण है उसको, जो क्षति उसकी हो रही है, जो उसके सामाजिक और आर्थिक कारक हैं, उसके लिए कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है.
फिर एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में शिक्षा, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स कंजर्वेशन, आउटडोर एंड नेचुरल रिसोर्स एजुकेशन एज वेल एज नेचर स्टडी, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट रिलेट्स टू मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। यानी कि पर्यावरण शिक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे आप पर्यावरण को कंजर्वेशन करेंगे, उसको संरक्षित रखेंगे, कैसे आप आउटडोर और नेचुरल रिसोर्स को यूज करेंगे, नेचर स्टडी इसमें आएगी। इसके अलावा इसमें वो सब कुछ आ जाएगा जो मनुष्य और वातावरण से जिसका रिलेशनशिप है। EE is the study of man and how he shapes his total natural and cultural surroundings for good or ill. जो पर्यावरणीय शिक्षा है वो मनुष्य का अध्ययन करता है और ये भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार उसका जो नेचुरल, उसका जो प्राकृतिक है, जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके इर्द गिर्द का, वो कैसे सही या अच्छा रूप ले सकता है। मैन नॉट हिज टेक्नोलॉजी, नॉट द फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, नॉट द आर्ट्स और प्रोफेशंस ऑपरेटिंग इन सेग्रीगेटेड स्फीयर्स, बट ऑल ऑफ दीज एज दे इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकम द पिवोटल कंसर्न। यानी कि मनुष्य के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, आपका आर्ट है, प्रोफेशन है, सब कुछ कलेक्टिवली मिलके किस प्रकार मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, यही इसमें पढ़ाया जाएगा। मैन कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ इकोसिस्टम फॉर ही इज द ओनली कॉन्शियस मैनिपुलेटर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हिज मैनिपुलेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं कि मनुष्य को अर्थ के इकोसिस्टम से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यही अर्थ के इकोसिस्टम में ऐसा जीव है जो कि कॉन्शियस मैनिपुलेटर है, मतलब जानबूझ के हमने मैनिपुलेशन कर करके अपने एनवायरनमेंट का ये हाल किया है। तो हमारा मैनिपुलेशन इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट में बढ़ोतरी हो, ये ना कि उसको हम खराब करें। फिर एजुकेशन थ्रू द एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के द्वारा शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि आप एक इसको विषय अलग विशेष विषय की तरह से मत पढ़ाइए, बल्कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए बोथ एजुकेशन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट। यानी हर विषय से जोड़कर, कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो, जब आप नेचर स्टडी पढ़ा रहे हैं तो, जब आप EBS पढ़ा रहे हैं तो, आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो, आप लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, तो सब में इसका हिस्सा होना चाहिए और उसमें ये बात निकल के आनी चाहिए कि पर्यावरण को हमको संरक्षित रखना है, है ना। जस्ट एज पीस मील अटैक्स ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर इनइफेक्टिव, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाएंगे तो अपर्याप्त होगा, इसलिए टोटैलिटी ऑफ एनवायरमेंट में आपको उसको पढ़ना होगा, कोलेबरेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, जिससे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन मे प्रूव इफेक्टिव इन ओवरकमिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। जिससे जो पर्यावरणीय अध्ययन है, जो पर्यावरणीय शिक्षा है, वो इफेक्टिव यानी कि प्रभावपूर्ण साबित हो जो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हो गया है उसको ओवरकम करने में। The multidisciplinary approach integrates environmental education into all learning in all subjects in all grades all year long and beyond the formal school years to a lifelong education. मतलब सतत आपको इसको पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। अब अगर इनके उद्देश्यों की बात करें कि पर्यावरणीय शिक्षा हमने सोच तो लिया, पढ़ाएंगे क्या, उसमें क्या उद्देश्य होगा, पढ़ाने से फुलफिल क्या करना चाहते हैं, तो दो इसके उद्देश्य माने जा सकते हैं। पहला है कि फर्स्ट एम इज टू प्रोवाइड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल फील्ड्स विद द नॉलेज नीडेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड द रेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस इट्स रिसोर्सेज। इसका पहला उद्देश्य ये होगा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल फील्ड्स में, उनको वो ज्ञान दिया जाए जिससे कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी विकसित हो सके, कि वो अपने पर्यावरण को समझ सके और एक तार्किक रूप से जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसका यूटिलाइजेशन हो सके। इसका दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है या ये होगा कि जो नॉलेज और स्किल्स आपने सीखी उसका यूज कैसे करेंगे, यूज किसमें करना है, उसको प्रिजर्व करने में, उसको संरक्षित रखने में, उसको कंजर्व करने में, और सस्टेनेबली यूटिलाइज द एनवायरनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। और जो वर्तमान और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनके लाभ के लिए कैसे पर्यावरण का यूटिलाइजेशन हो सकता है। और एम्स क्या होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप द सेंस ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स वेरियस प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपको सेंस ऑफ अवेयरनेस डेवलप करानी है, फिर टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, to inform the students about the social norms that provides unity with environmental characteristics to create positive attitude, बहुत सारा है। मतलब आप sense of awareness आपको develop करानी है, आपको interrelationship समझाना है man और environment के बीच में, आपको student को inform करना है कि social norm के बारे में वो जान सके, positive attitude create करना है, proper skills सिखानी है, to help the students in realizing the importance of taking proper steps to solve environmental problems, यानी कि जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कौन से steps उसको लेने हैं ये आपको उसको बताना है। क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके स्टूडेंट के अंतर्गत, जिससे कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए रियलाइज कर सके पहले तो प्रॉब्लम, और फिर इंस्पायर हो उसके सोल्यूशन होने में, फिर अप्रोप्रिएट सोल्यूशन स्टूडेंट्स को मिले जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सके प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अबाउट एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए डिसीजन मेकिंग की क्षमता उसमें डेवलप हो। इसके अलावा
बहुत सारा इसी तरह से कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्किल्स, इनलाइटन द पीपल, इन्फॉर्म देम अबाउट देयर डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. हमें ये भी उसका उद्देश्य है कि हमें उनको ये बताना है कि हम किस तरह से पर्यावरणीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं. टू इनलाइटन देम, टू अलर्ट देम, टू क्रिएट कंसर्न, टू डेवलप पर्सनल, कम्युनिटी एंड नेशनल सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन इथिक्स, और टू अवेकन एप्रिसिएशन ऑफ द एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ नेचर इन ऑर्डर टू इनकरेज इट्स यूजेस फॉर रिक्रिएशन. मतलब हमको इस अपने स्टूडेंट्स में ये जागृत करना है एक एप्रिसिएशन का भाव, जिसे जो नेचर का एस्थेटिक क्वालिटी, जो सौंदर्यात्मक गुण है प्रकृति में, उसको आप इनकरेज कर सके, ताकि उससे हम भी तो आनंदित होंगे. सुंदर बढ़िया नेचर हमको मिलेगा तो उसका इसका इसका मतलब उसका डिग्रेडेशन हमको नहीं करना है. इस तरह से भी एक आप फ्लो चार्ट में अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देखिए एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में क्या अंतर है. एम्स जो होता है वो ब्रॉडर होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है थोड़ा सा फोकस्ड होता है. मतलब किसी पर्टिकुलर पेपर का, पर्टिकुलर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पर एम पूरे कोर्स का होगा, है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स इसके आ जाएंगे कि भैया आपको स्प्रेड करना है अवेयरनेस आ जाए अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, उसके अंदर नेसेसरी स्किल्स आ जाए, एक्सपर्टीज आ जाए, जिससे कि वो चैलेंजेस को एड्रेस कर सके, वो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट फंक्शन करता है ये सिखाना है. एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, टू इम्प्लीमेंट द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, और टू फोस्टर एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस एंड कमिटमेंट्स टू मेक इनफॉर्म डिसीजंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शन. यानी कि आपको स्टूडेंट के अंदर वो अभिवृत्ति, वो अभी अभी क्षमता, वो मोटिवेशन, वो अभिप्रेरणा, वो कमिटमेंट डेवलप करना है, जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और रिस्पॉन्सिबल एक्शन शो कर सके. इस तरीके से भी आप इसके एम्स को पढ़ सकते हैं, इतनी कैटेगरी में बांट सकते हैं. सबसे पहले आपको स्टूडेंट को अवेयर करना है, वो जागरूक बने कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, वो सेंसिटिव बने. फिर आप उसको नॉलेज देंगे कि क्या ज्ञान के रूप में कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये. फिर एटीट्यूड, यानी कि ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है, हमने पढ़ा लिखा तो है, थ्योरी तो हम सभी जानते हैं, पर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करते हैं. एटीट्यूड तो उसके अंदर हमको एटीट्यूड भी डेवलप करना है, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड द मोटिवेशन फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन. उसके बाद स्किल, यानी कि जो रिक्विजिट स्किल है वो उसके अंदर डेवलप करें, ताकि पहले ज्ञान मिले, फिर एटीट्यूड आए, फिर स्किल आए, ताकि वो एक्शन में तब्दील हो सके. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्टिसिपेशन, टू प्रोवाइड सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एट ऑल लेवल्स वर्किंग टूवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. यानी कि स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट भी करे इस तरीके के प्रॉब्लम के, जब सोल्यूशन की बात हो रही हो. तो इस तरह से इस टॉपिक में आपको सिर्फ ये जानना था, ये इसका कंसेप्चुअल लेक्चर है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है. ज़रूरत इसलिए है कि पर्यावरण जो है हमारे इर्द-गिर्द का वो क्षति हो रही है, उसकी उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसलिए ये एक हिस्सा बना दिया जाए करिकुलम का, जिसे सभी एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ें. और ये एक सेपरेट डिसिप्लिन या सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़कर हर विषय से जोड़कर इसको इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत पढ़ाया जाए, ताकि वो सतत आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा बने. और इसके एम्स क्या है, एम्स यही है कि आप अवेयरनेस डेवलप की जाए, आप में सेंसिटिविटी डेवलप की जाए, आप में एटीट्यूड हो उसके लिए पॉजिटिव, आपके पास पर्याप्त नॉलेज हो, स्किल हो, और आप पार्टिसिपेट कर सकें ऐसे जो एक्शन चल रहे हैं उनमें. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड.